गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेकर आया हूं SLV की तरफ से BL7 एम्पलीफायर जो कि एक 3400 वॉट्स का डुअल चैनल एम्पलीफायर जो कि पर चैनल 1700 वॉट्स देता है हमको 2 ओम्स पे। तो इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस, डिटेल्स क्या है, कनेक्टर, आउटपुट, वॉल्यूम एंड ऑल कैसे प्ले होता है ये, फिर करेंगे एक साउंड टेस्ट इसका एंड लास्ट में देखेंगे रिव्यू कि कैसा है ये एम्पलीफायर। जैसा कि आप देख सकते हैं इस एम्पलीफायर में एक बॉक्स और हमको इसके अंदर मिलता है, यानी कि 2 बॉक्स ही पैकिंग में हमको मिलता है एम्पलीफायर। इसके अंदर हमको दोनों साइड मिल जाती हैं ये कुछ बड़े से स्टेपलर पिन टाइप के जो कि प्रूफ है कि एम्पलीफायर सील्ड पैक है, इससे पहले कभी खुला नहीं है। हमारा एम्पलीफायर, आइए इसको बाहर निकालते हैं। के फ्रंट पैनल में हमको देखने को मिल जाती है SLV की ब्रांडिंग, उसके बगल में हमारा मॉडल BL7, सेंटर में हमारा पावर ऑन ऑफ का स्विच, नीचे लिखा है प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर, लेफ्ट और राइट में हमारे दोनों चैनल के कंट्रोल नॉब्स हैं, वॉल्यूम नॉब्स हैं। बात करेंगे LED की तो सबसे नीचे हमको देखने को मिल जाती है रेडी की, यानी कि हमारा एम्पलीफायर ऑन है। उसके बाद दिखती है सिग्नल की, सिग्नल आ रहा है, आउटपुट जा रहा है। उसके बाद 2 लेवल इंडिकेटर्स हैं -20 और -10 जो कि साउंड के हिसाब से ग्लो करते हैं, जितना तेज चलाते हैं उतना ज्यादा ग्लो करते हैं। उसके बाद एक क्लिप की लाइट, उसके ऊपर है लास्ट हमारी थर्मल की लाइट। साइड में दोनों हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको दोनों वेंटिलेशन के लिए दे रखे हैं, यहाँ से हमारी एयर पास होती है। इन दोनों साइड में है हैंडल्स जिसकी मदद से इस एम्पलीफायर को हम उठा सकते हैं। हमने अपने एम्पलीफायर को टर्न कर लिया है तो बात करते हैं इसके बैक पैनल की। इसमें हमको लेफ्ट साइड से देखेंगे तो सबसे पहले देखने को मिलेगा एक फैन, उसके बगल में हमको देखने मिलेगा एक फ्यूज, उसके ऊपर कॉशन लिखा हुआ है। उसके ठीक नीचे हमको मिलती है पावर केबल जो कि कुछ इस तरह के प्लग में आती है जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर हमको देखने को मिल जाते हैं XLR के थ्रू इनपुट एंड आउटपुट दोनों चैनल के, चैनल A और B के। उसके ठीक बगल में हमको देखने को मिल जाता है हमारा सेंसिटिविटी का स्विच जो कि हमारा 3 सेंसिटिविटी में प्रोवाइड होता है, 0.77 वोल्ट, 1 वोल्ट एंड 1.4 वोल्ट पे। उसके ठीक नीचे है लो कट आउट का, उसके बगल में हमको मिल जाता है ग्राउंड लिफ्ट का ऑन ऑफ स्विच, उसके ठीक ऊपर हमको मिलता है ऑपरेशन मोड का स्विच जिसमें कि हम स्टीरियो पैरेलल या ब्रिज मोड पे चला सकते हैं। उसके ऊपर एक है छोटी सी LED जो कि ग्लो करती है जब एम्पलीफायर अपने ब्रिज मोड पे चलता है। इसके ठीक बगल में हमको देखने को मिल जाते हैं स्पीकर सॉकेट्स दोनों चैनल के A और B के जो कि स्पीकर कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। इसके ठीक बगल में हमको देखने को मिल जाते हैं हमारे स्पीकर आउटपुट सॉकेट्स जो कि टर्मिनल कनेक्टर्स भी कहलाते हैं। इसमें चैनल A और B के दोनों दिए हुए हैं, कनेक्शन क्लियर एकदम प्लस माइनस मेंशन है एंड यहाँ पे ब्रिज मोड से कैसे ऑपरेट करना है उसका भी इंडिकेटेड है कि हमको चैनल A से प्लस लेना है और चैनल B से माइनस लेना है। अगर आप कभी ब्रिज मोड यूज करते हैं तो इसी तरह से आप कनेक्ट करिएगा। लास्ट में हमको देखने को मिल जाता है इस एम्पलीफायर का दूसरा फैन। इस एम्पलीफायर की एक खास बात और है कि जैसे कि यहाँ पे हमको 2 फैंस देखने को मिल जाते हैं वैसे 2 फैंस हमारे यहाँ पे आगे भी लगे हुए हैं, तो टोटल 4 फैंस हैं इस एम्पलीफायर में। सो गाइस ये हमने अपने एम्पलीफायर मिक्सर कनेक्ट कर लिया है, आइए आपको थोड़ा कनेक्शन दिखा देता हूँ कि इसमें हमने कैसे और क्या कनेक्ट किया है किस तरह से। ये रहा हमारा एम्पलीफायर, उसके ऊपर है हमारा मिक्सर, ये हमारे दोनों के प्लग्स कनेक्टेड है बोर्ड से जो कि 16 एम्पियर पे। ये है हमारा टॉप जो इसमें हम प्ले करेंगे, इसमें 350+350 वॉट्स के स्पीकर है एंड 100 वॉट्स का HF है, यानी कि 800 वॉट्स एट 4 ओम्स जो कि एम्पलीफाई देता है 1275 वॉट एट 4 ओम्स। तो अभी हमने इसको कनेक्ट कर रखा है चैनल A पे जैसा कि आप देख सकते हैं, बिना टर्मिनल बाइंडिंग पोस्ट पे कनेक्टेड है, माइनस में ब्लू एंड प्लस में रेड जो कि होती है। फिर हमारे इस मिक्सर से निकला है आउटपुट लेफ्ट चैनल से जो कि गया है इसके चैनल A में। काफी सिंपल सा कनेक्शन है, ये हमारा वायर था जिसको हमने कनेक्ट किया, इधर से कनेक्शन हमारा इधर आ गया, ये हमारा XLR में लग गया है और इसका कनेक्शन हमने कर रखा है पैरेलल मोड में
तो आइए अपना एम्पलीफायर ऑन करते हैं एंड साउंड टेस्ट करके देखते हैं कि इसमें कैसी आवाज आती है। आइए अपने एम्पलीफायर को ऑन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी एम्पलीफायर जस्ट ऑन हुआ है तो उसमें रेडी और थर्मल की लाइट ग्लो कर रही है, और जैसे कनेक्शन सर्किट हमारा पास हो जाता है तो ये लाइट बंद हो जाती है अपने आप। तो आइए अपने मिक्सर को भी ऑन कर लेते हैं। तो जैसा कि हमारे मिक्सर में लगा है ब्लूटूथ मोड अभी, तो अपने फ़ोन को कर लेंगे पेयर एंड फिर बजाते हैं सॉन्ग। सो फ्रेंड्स, हमने अपना कनेक्ट कर लिया है फ़ोन एंड लगा लिया इनसीएस का सॉन्ग। आइए इसको प्ले करते हैं, देखते हैं कैसी साउंड आती है। फ्रेंड्स, आपने सुना है एम्पलीफायर का साउंड टेस्ट। हम एक चैनल पे इसलिए ही प्ले कर पाए क्योंकि हमारे पास एक ही टॉप अवेलेबल था ड्यूल 15 का। इसको आप इजीली दोनों चैनल पे सेपरेटली या एक साथ दोनों चैनल पे आप दो टॉप या चार टॉप इजीली या 4 ओम 8 ओम या 2 ओम पे इजीली चला सकते हैं। बात करेंगे इसके पावर आउटपुट की, तो ये पर चैनल को दे देता है 850 वॉट्स 8 ओम्स पे, 1275 वॉट्स दे देता है ये 4 ओम्स पे एंड 1700 वॉट्स देता है हमको 2 ओम्स पे पर चैनल। बात करेंगे इसके ब्रिज मोड की, यानी कि ये दोनों चैनल कंबाइन होकर एक आउटपुट निकालेंगे, जिसमें कि 8 ओम्स पे हमको मिलेगा 2550 वॉट्स का आउटपुट एंड 4 ओम्स पे मिलेगा हमको 3400 वॉट्स का मैसिव आउटपुट। इतना आउटपुट होने के बाद भी एम्पलीफायर का वेट अराउंड 19 केजी ही है, जो कि काफी रिलायबल एंड काफी स्लीक एंड लाइट वेट एम्पलीफायर बनाता है एम्पलीफायर को। इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई है क्लास एच की, तो ये क्लास एच एम्पलीफायर है हमारा। इसमें फ्यूज है जो कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम या दिक्कत से इसको बचा देता है। तो ये था आज का वीडियो हमारा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो इसको एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय गाइज़।